एमपी में कोरोना संक्रमण की स्थिति में धीरे धीरे सुधार आता जा रहा है। अब अस्पतालों में भी बेड आसानी से उपलब्ध हो रहे हैं। प्रदेश में वैक्सीनेशन का काम भी सफलतापूर्वक चल रहा है। मध्य प्रदेश के गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि अब तक 83,47,000 डोज लग चुके हैं। 45+ वालों का वैक्सीनेशन पहले की तरह ही जारी है। मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने साथ ही बताया कि अभी हमारे पास 6,35,000 डोज हैं और 8,15 मई तक आ जाएंगे। ऑक्सीजन सपोर्ट वाले बेडों में भी अब 2% की कमी आ गई है। कई जिलों में के अस्पतालों में धीरे धीरे बेड खाली हो रहे हैं। वैक्सीनेशन की स्थिति में 45 के प्लस वालों के लिए प्रदेश में 83,47,000 डोज लग चुके हैं। 6,35,000 डोज हैं, 8,15 मई तक और आने वाले हैं। 18+ वालों में अब तक 4,981 डोज लग चुके हैं। 1,50,000 वैक्सीन है, 1,10,000 तक आ जाएगी और 9 लाख के लगभग 15 मई तक हमें और मिल जाएगी। इसलिए कहीं भी उतावलापन या व्यग्रता नहीं करनी है। मुख्यमंत्री जी भी स्पष्ट बोल चुके हैं कि प्रत्येक को लगेगी। जैसी जैसी उपलब्धता बढ़ती जाएगी, हम वैक्सीन के डोज भी बढ़ाते जाएंगे।